वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपसे छोटी सी अपनी हार्वेस्टिंग शेयर करूंगी टमाटर की। ये देखिए मेरे ये टब में टमाटर लगे हुए हैं और इनमें देखिए कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हुई है और कितनी अच्छे साइज की ये टमाटर गोल गोल चिकने चिकने लाल लाल हुए हैं। आज मैं इन्हीं की हार्वेस्टिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं हार्वेस्टिंग कभी शेयर नहीं कर पाती क्योंकि जब मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ तो कभी मोबाइल नहीं लाई रहती हूँ, कभी जो है कुछ ऐसी समस्या रहती है कि मैंने आज तक कभी आपसे कोई खास हार्वेस्टिंग नहीं शेयर कर पाई। तो आज मैंने सोचा कि आपसे मेरी लास्ट हार्वेस्टिंग है। अब इसमें मुझे बहुत ही कम टमाटर बचे हैं, आज के बाद 4-6-10 टमाटर बचेंगे, फिर मैं आपसे नहीं शेयर कर पाती। इसलिए इधर भी देखिए ये लंबे वाले इस वाले गमले में लगा हुआ है, इसमें देखिए कितने अच्छे टमाटर आए हैं और साइज देखिए। फ्रेंड मैंने अब की कुछ सब्जियां लगाई हैं लेकिन मैंने ग्रो बैग वगैरह केवल 12x12 के ग्रो बैग मंगाए थे जिसमें कि मैंने केवल मिर्ची लगाई है और कुछ नहीं लगाया है। बाकी सब गमलों में सब्जियां मैंने लगा रखी हैं और वही है, पहली बार ट्राई कर रही हूं कि देखें टेरेस पर मेरे कितनी सब्जियां निकल पाती हैं। इसमें देखिए मेरे पुदीना है, पुदीना भी मैंने कटिंग से लगाया था जो सब्जी वाले लाते हैं, वही सब्जी वाले से चटनी के लिए खरीदा था और फिर मैंने इसमें लगा दिया है। ये देखिए मैंने हार्वेस्टिंग करी थी, अब इसमें न्यू ग्रोथ ये देखिए आने शुरू हुई है। अब इसमें न्यू ग्रोथ आएगी तो फिर से मेरा हरा भरा हो जाएगा। एक टमाटर इसमें लगा हुआ है नन्हा सा, ये तो जो मैं अक्टूबर नवंबर में प्लांट लगाई थी उसका है। ये देखिए तो फ्रेंड ये देखिए इतने टमाटर मेरे निकले हैं, लगभग 1 किलो निकल आया है। ठीक है दोस्तों, यही छोटी सी हार्वेस्टिंग शेयर करनी सी थी सो मैंने शेयर किया। कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।